हरदोई के कोतवाली कछोना इलाके के सुठेना गांव में एक युवक की पुरानी रंजिश के चलते घर से बुलाकर क्षेत्र पंचायत सदस्य ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल गांव में दो सिपाही तैनात कर दिए गए हैं। बताते हैं कि दो माह पूर्व इसी दबंग युवक के द्वारा मृतक को पीटा गया था और फायरिंग भी की गई थी, लेकिन कोई पुलिसिया कार्यवाही ना होने से दबंग के हौसले और बुलंद हो गए हैं। एएसपी ज्ञानंजीत सिंह और सीओ ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। सुठेना गांव निवासी दीपक कुमार उर्फ दीपू को गांव का ही अरविंद तिवारी उसके घर से किसी बहाने बुलाकर लेकर गया था। बताया जाता है कि अरविंद उसे लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य धनीराम के घर पहुंचा, जहां पर पहले से ही धनीराम मौजूद था। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और विवाद में धनीराम ने नाजायज बंदूक से दीपक के गोली मार दी। गोली लगने से दीपक घायल हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजन दीपक को घायल अवस्था में सीएससी कछोना ले गए, जहां बताया जा रहा है कि कोई चिकित्सक नहीं मिला, जिस पर परिजन घायल अवस्था में दीपक को थाने पर ले गए। थाने से उसे जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं गांव में दो सिपाहियों की ड्यूटी फिलहाल लगा दी गई है। मृतक के बाबा हीरालाल ने बताया कि कुछ महीने पहले विवाद हुआ था, जिसमें धनीराम ने दीपक को पीटा था और फायरिंग भी की थी, लेकिन मामले में सुलह समझौता हो गया था, जिससे यह रंजिश मानने लगा था और इसी को लेकर उसने घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में मृतक के पिता जयराम की तहरीर पर धनीराम, उसके पुत्र प्रदीप और अरविंद तिवारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एएसपी ज्ञानंजीत सिंह व सीओ ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। सर, हमारा नाम दिनेश कुमार है, जो मैं उनका नाम दीपक कुमार है। धनीराम बुला के ले गए हैं अरविंद के द्वारा, वहाँ पे फायर मार दी, उनकी हत्या हो गई। कोई रंजिश थी? जी सर। दीपक हैं, हत्या ऐसे हुई कि अरविंद ही आज बुलाए ले गए, कुछ बातचीत हुआ उनके घर पर, भाई उतने में है, ये लेके बंदूक कट्टा पहुंच गए धनीराम पिंटू, और धनीराम आगे रहे तो उन मारी इन गोली सीना में ही है। थाना कछोना क्षेत्र के सुहेना गांव में दीपक और दीपू की हत्या हुई है। इसमें तीन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। सर, कैसे हत्या की गई, क्या वजह रही? इनकी एक डेढ़ महीने से किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी, उसी रंजिश में हत्या हुई। सर, कैसे हत्या की गई? संभवतः गोली मार के ये घटना कारित की गई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.